सालों तक जो बिहार सिनेमा के पर्दे पर गलीच राजनेता, भोंडे आइटम नंबर और फूहड़ जोक्स का दूसरा नाम था, सुपर 30 से उम्मीद थी कि वो इन सारे दाग को एक झटके में धो देगा। ये बिहार के जर्जर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ठंडी बयार बन उपजे आनंद कुमार की जमीनी कहानी थी। मिट्टी के लाल उन हजारों लड़के लड़कियों की जिजीविषा की कहानी थी जिन्होंने टूटे रिश्ते, छतों के नीचे असंभव सा ख्वाब देखने की जहमत उठाई थी। यह उस बदलाव की कहानी थी जिसे पटना शहर का वो लड़का मुंबई के सिनेमा घर में देख अपनी छाती चौड़ी करने वाला था। पर 4 जून को ट्रेलर निकलते ही पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि माया नगरी के मायावी फनकारों ने हर एक बिहारी के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया है कि बेटा कहानी भले ही तुम्हारी हो, कहेंगे तो हम वैसे ही जैसा हम आज तक कहते आए हैं। हम अपने गौर वर्ण के हीरो को भले ही ब्राउन टेंट पेंट से पोत देंगे, तुम्हारी बदहाली को पर्दे पर उतारने के लिए हर फ्रेम धूसर काले बच्चों से पाट देंगे। और हाँ, गो की फिल्मों में ये जरूरी नहीं, पर चूंकि कहानी बिहारी है तो अंत आते आते गोलियों की बौछार और छमिया की झंकार जरूर सुनाएंगे। एक शब्द में कहें तो ये ट्रेलर तमाचा है। बॉलीवुड से परिवेश की प्रामाणिकता की उम्मीद करने वाले मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, भागलपुर के उस हर सिनेमा प्रेमी के मुंह पर जो बरसों से आपकी मुंबईया बिहारी से लैस संवादों को झेल कर भी बॉलीवुड का बेपनाह दीवाना है। ऋतिक के मुंह से निकलती नकली बिहारी जो शायद प्रेप के दौरान उन्होंने फैंटम के ऑफिस में काम करने वाले किसी नन रेसिडेंट बिहारी के मुंह से पहली बार सुनी होगी, 2.5 मिनट तक किसी खंजर की तरह हर उस इंसान के सीने में धंसती है और खून भी नहीं निकलता। ऐसे में पटना का वो शायर ही याद आता है जिसने कहा था कि ना खंजर पे कोई दाग, न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करते हो कि करामात करते हो। अब इंटरनेट के कुछ सो कॉल्ड ज्ञानी जन हम बिहारियों को ओवर रिएक्ट करने से रोकेंगे कि यार यू आर सो टची, इतने छोटे से ट्रेलर की इतनी छोटी सी बात कौन पकड़ता है, पहले पिक्चर तो देखा, यही कम नहीं है क्या कि अंधेरी की फिल्मी खिड़कियों ने तुम्हारे अंधेरों का रुख किया है, कितने साल बाद तुम्हारी कोई कहानी मेन स्ट्रीम हुई। तो ऐसे लोगों से बस इतना ही कहना है कि अगर तुम्हारी माँ की जबान पर कोई गरम खौलता तेल डाल के कव्वाली गवाए तो सुन सकोगे बॉस, सुन सकोगे, सुन सकोगे अगर पंजाब की पंजाबी गुजराती जैसी हो जाए और बंटाई भाई के गीत के बोल हम भोजपुरियों जैसा गाएं, नहीं ना तो गुस्साने दो ना यार, गुस्सा तो आएगा ही जब मुंबई के लैंड सेंट्स पर बैठकर किसी खांटी बिहारी कहानी का सिनेमाई बलात्कार हो और पेडर रोड के किसी कॉफी हाउस में किसी राजा के बेटे के लिए रंग दिखाने की फीकी बासी जुगत भिड़ाई जाए। खून तो खौलेगा जब हमारी जीवट की एक बड़ी कहानी किसी चुटकुले में तब्दील हो जाए और अगले दिन ऑफिस में मेरा पंजाबी कलीग मुझे ऋतिक की आवाज में ही बिहारी सुनाने लगे। पता है कि एक सुपरस्टार से भाषाई तहजीब की उम्मीद करना इस देश में बेईमानी है, लेकिन फिर यार एक्टिंग में ऋतिक का बाप अल्पचिनो और रॉबर्ट डेनेरो याद आ जाते हैं जो शोहरत की उद्दात बुलंदियों पर भी अपने किरदार के साथ कहीं बेईमानी नहीं की। और फिर याद आता है कि ये तो इंडिया है बॉस, जहां पैसे और शोहरत के पीछे ना जाने कितनी अच्छी कहानियों का कत्ल हो जाता है, उनका गला घोंट दिया जाता है। यह हिंदी सिनेमा है बॉस, जहां स्टारडम के पीछे डायरेक्टर की क्या बिसात, जब अपना ऋतिक राजा है तो भोजपुरी थोड़े ना बोलेगा। ज्यादा बिहारी फील लेना है तो यूट्यूब पे टहलाइए, जहां अपना प्यार खेसारी और निरहुआ आपका इंतजार कर रहे हैं। हिंदी अभी इतनी कूल नहीं कि बिहार तुम्हारी जबान को अपनी जबान पर जगह दे सके। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऋतिक रोशन बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बेशक हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस रोल में ऋतिक रोशन सही हैं या फिर अपने पंकज त्रिपाठी सही होते हैं? आपको क्या लगता है? सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं, जरूर बताएं। और इंतजार करिए, सुपर 30 वाले फिल्म पर ही एक अलग तरह का वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ये तो चीटिंग है ना जी, चीटिंग है। और वो लोग जो हमारे साथ किया, हमको बुलाया, हमारे आने का टिकट दिया, जाने का छीन लिया, ये चीटिंग नहीं तो क्या आशीर्वाद है? बिहार में जो है अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। हाँ जरूर, लालू यादव जी का जो बेटा है तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, हम समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मतलब वो मुख्यमंत्री नेता बन पाएगा क्या? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा।